शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जलेबी, ये पूरा खड़ूस यहाँ भी आ गया। जलेबी, गुलाबी, मुझे कहाँ छुपाऊँ मैं? कहाँ छुपाऊँ मैं? एक मिनट हाँ। एम्बेसडर के डिक्की में छुप जा। अरे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे सुन मेरी अम्मा। छुप जा। आगे से नहीं, पीछे से जा। डिक्की में। जलेबी, जलेबी, जलेबी। बेटी, तुम घर में ही हो? हाँ। मगर आप इधर कैसे? दरअसल मैं यहाँ तुझे पिकअप करने आया था। पिकअप? मैं तो आज से आपके काम को ही पैकअप करने वाला हूँ सेठ जी। क्या बक रहे हो? अखबार में वांटेड आया है, एक बहुत अच्छे इंसान, बड़ी कंपनी के मालिक, उसके पास ड्राइवर की नौकरी खाली है। वहां जा रहा हूँ सेठ जी मैं। वो नौकरी तुझे नहीं मिल सकती। क्यों, मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ? तुझे वो नहीं मिल सकती। आखिर क्यों नहीं मिल सकती? इसलिए कि वो इश्तिहार मैंने ही दिया था। सेठ जी, मेरी नौकरी जलेबी नहीं है। नौकरी भी नहीं है सेठ जी, जलेबी है। नौकरी है मगर वो घर में नहीं है। कहाँ है? मिठाई लाने गई है। क्यों? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ओ, तो वो घर पर नहीं है। अच्छा, तो मुझे बेवकूफ बना रहा था। सेठ जी, आपने कुछ कहा? हाँ, मैं सोच रहा था आज तेरा बर्थडे है ना, क्या तुझे छुट्टी देता हूँ। छुट्टी? बड़ी मेहरबानी सेठ जी, बड़ी मेहरबानी। जा भाई जा। सेठ जी, अभी अरे ये सेठ जी। तो क्या हुआ? तू मेरी कार इस्तेमाल कर, मैं तेरी करता हूँ। सेठ जी, सेठ जी। मैं भी कितना गधा हूँ, 1000 रुपए की लालच में अपनी बीवी को आरती की थाली में सजा के भेज दिया। वो मुझ जैसे हरामजादे को तो ये चप्पल से मारना चाहिए, कमीने। हुजूर, 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 हुजूर। अरे यहाँ हुजूर की आवाज सुनी तो जल्दी से आरती लेने चली गई। हे भगवान, बाल बाल बच गए, भगवान बाल बाल बच गए। हुजूर कहाँ चले गए? मेरे हजार रुपए। इन्हीं रुपए ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया है। तू उसकी नजर उतारती है, वो तेरे पे नजर जमाता है। तेरी साड़ी कहाँ गई? वो जल्दी जल्दी में डिक्की में रह गई। वैसे भी बड़ी गर्मी है। गर्मी गर्मी चल बेटा। आज मेरे केक ली हूँ मैं। बनाने तुमने मेरी सेक्रेटरी को धक्का मारा? धक्का? धक्का मारा मैंने? बहन, मैंने आपको धक्का मारा? देखो धक्का तो ऐसा होता है, देखो ए, 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 तुम ऐसे धक्का, मैंने तो खाली ऐसे ही मैंने हाथ भी नहीं लगाया। देखो ये मैंने हाथ लगाया नहीं, उल्लू के पट्टे। नहीं ना, उल्लू के पट्टे हो तुम नौकर और आज तक मालिक को जैसे रखते हो। सेठ जी, मैं भी तो एक इंसान हूँ। कमीना, कुकर मुत्ता, कुत्ता, हरामी, नेस्टी, यूजलेस, ब्लडी, डर्टी फेलो। ए, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ। जाना। आज सेंटर की बेटी आने वाली। आशा भी क्या रही है? हाँ? स्टेशन चले जाना गाड़ी लेकर, समझे? अच्छा अच्छा। कैसे हो कालिया? ठीक हूँ बेटिया, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पापा नहीं आए? पापा तो काम में बहुत उलझे हुए हैं। अच्छा। आओ बेटिया आओ। चलो तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं, मुझको लेने कार आई होगी। अच्छा, बाय। ओके बाय। अमर भैया। अरे रवि, तू? हाँ। बाबूजी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए सेठ जी को स्टेशन छोड़ने में ही चला आया। सरजू काका ने बताया था कि तुम आ रहे हो, तो सोचा तुम्हें भी साथ में लेता चलूं। थैंक्स, चल चले। अरे अमर, अमर का पता लेना भूल गई। चलो उनके पीछे चलते हैं। हाँ, चलो।
आंटी देखो मैं किसे ले आया हूँ। अरे मुन्ना ठहर ठहर वहीं पर ठहर। यहाँ कोई अमर बाबू रहते हैं? अमर बाबू जी वो जो पुना के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं अमर कुमार सिंह। हाँ नहीं 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 यह कौन अमर अमर नहीं रहता मैम साहब कोई नहीं नहीं रहता नहीं 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 कौन अमर अमर नहीं रहता। हम ये अमर बाबू का घर नहीं एकदम नहीं बिल्कुल नहीं 100% नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो ये हमारे बेटे से मिलने आई है। बेटा कौन बेटा किसका बेटा? हमारा मुन्ना। फालतू बात नहीं तो फिर ये फोटो किसका है? हमारे मुन्ना का। देखिए मैं और आपका बेटा साथ साथ पढ़ते हैं इम्तिहान खत्म होने के बाद हम यहाँ साथ साथ आए हैं। आप जैसे सीधे साधे भोले भाले लोग झूठ बोलना चाहे तभी झूठ नहीं बोल सकते तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखो वो झूठ तो अच्छा ये बात बताओ तो हर कॉलेज में अमीर के बच्चन के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और गरीब के बच्चन के नंबर कम कर दिए जाते हैं। ये आपसे किसने कहा? हमारे मुन्ना ने। धोखेबाज बेईमान मक्कार फ्रॉड 420। हाँ धोखेबाज बेईमान फ्रॉड मक्कार 420 ये सब कुछ हूं मैं लेकिन मुझे ये सब बनाया तुमने। अमर। हाँ आशा मैंने ये सब कुछ तुम्हारे प्यार के लिए किया तुम्हारे प्यार की दौलत पाने के लिए। प्यार के लिए धन दौलत नहीं चाहिए अमर प्यार के लिए सच्चाई और एक दूसरे पर यकीन जरूरी होता है। बुलशिट सच्चाई और यकीन। Do you think सनी बनाना कल डिंट लव एंड ट्रस्ट ईच अदर? All you think Siri and Farah didn't love and trust each other? Of course they did. But क्या हुआ उनका? Nothing zero. क्या उनकी शादी हो सकी? नहीं. पता है क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक बहुत बड़ा फासला था. दौलत का. वही जो आज भी मौजूद है. Between the haves and the have-nots and the rich and the poor. वही फासला, वही दीवार, वही खाई. वो आज भी मौजूद है आशा. इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला. क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे अफसाने का अंजाम भी वही हो तो उन लोगों का हुआ। ये तो आज तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन क्या क्या अगर तुम्हें पहले पता होता कि मैं किसी गरीब पॉचमैन का बेटा हूं तो क्या फिर भी तुम मुझसे प्यार करती? हाँ हाँ मैं तभी तुमसे प्यार करती। अमीर अक्सर इतने गरीब होते हैं कि उनके पास दौलत के सिवा कुछ नहीं होता। मेरे पास दौलत है मगर मेरे पास माँ बाप का प्यार नहीं है। यही प्यार अपने सास ससुर से पाना चाहती हूँ। लेकिन लेकिन मुझे कैसे पता लगता आशा कि आज तक तुमने कभी बताया कि तुम किसी गरीब इंसान से भी प्यार कर सकती हो? मैंने तो तुम्हें देखा और तुमसे प्यार करने लगा बस इसी बात का डर था कि सच्चाई जानने के बाद कहीं मैं तुम्हें खो ना बैठू। हाँ आशा इसीलिए मैं तुमसे बार बार झूठ बोलता गया। नहीं अमर तुमने सिर्फ प्यार के लिए झूठ नहीं बोला तुमने अपने माँ बाप को छुपाने के लिए झूठ बोला था। तुमने अपने माँ बाप को इनकार कर दिया। जब तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकते हो तो कल मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हो। रुक जाओ आशा आशा रुक जाओ मेरी बात का यकीन करो वरना मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। आशा आशा ये सच है इसे झूठ मत समझना। मैं जा रहा हूँ आशा जब तक तुम नीचे पहुंचोगी तब तक मेरी लाश नीचे पहुंच चुकी होगी। आशा आशा मैं कूद रहा हूँ मुझे मत रोको नहीं आशा मरने की कोई जरूरत नहीं अमर।